सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। भारत ने एशियन गेम्स में 100 मेडल जीतकर एक इतिहास रच दिया है, लेकिन इन 100 मेडल्स में से एक मेडल ऐसा भी है जिसने रामबाबू की जिंदगी बदल दी है। छोटे लाल पशुओं के लिए साइकिल पर चारा काटकर जब घर लौटे तो गांव वालों ने बताया कि उनके बेटे ने एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीत लिया है। इस खुशखबरी के बाद रामबाबू के पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आदित्य आत्रे। एशियन गेम्स में 35 किलोमीटर पैदल चाल की मिश्रित टीम स्पर्धा में मंजूरानी के साथ कांस्य पदक जीतने वाले सोनभद्र के रामबाबू की सफलता की जो कहानी है वो संघर्षों से कम नहीं है। पेट पालने के लिए कभी उन्होंने मनरेगा में मजदूरी की तो कभी होटल में वेटर का काम भी किया। विपरीत हालातों के बावजूद हार न मानते हुए रामबाबू दृढ़ संकल्प रहे और कामयाबी का एक नया अध्याय लिखने में लगे रहे। नतीजा, मजदूर पिता के बेटे पर आज पूरे देश को फख्र है। रामबाबू के पिता छोटे लाल मजदूर किसान हैं। परिवार खपरेल के कच्चे मकान में रहता है। गांव के प्राथमिक विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के बाद रामबाबू का चयन नवोदय विद्यालय में हो गया। रामबाबू का रुझान शुरू से ही खेलों में रहा और वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक देखकर उन्होंने धावक बनने का निर्णय लिया। गांव में सुविधा नहीं थी तो पगडंडी पर ही दौड़ना शुरू कर दिया। अभ्यास के लिए खुराक के लिए पैसे नहीं थे, होटल में वेटर का काम भी किया। इसी दौरान कोविड आया और कोविड के चलते होटल्स बंद हो गए, तो ऐसे में रामबाबू गांव लौट गए और गांव में ही पिता के साथ मनरेगा में तालाब खोदने में जुटे रहे, जिससे किसी तरह परिवार का खर्च चलने लगा। कोरोना से जब स्थितियां सामान्य हुई तो रामबाबू भोपाल चले गए और वहां पूर्व ओलंपियन बसंत बहादुर राणा ने उन्हें ट्रेनिंग दी। कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत रामबाबू ने 35 किलोमीटर पैदल चाल की राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। इसमें स्वर्ण पदक जीतने के साथ उन्होंने राष्ट्रीय कैंप में जगह भी बनाई। प्रतिभाशाली रामबाबू पिछले साल तब चर्चाओं में आए जब उन्होंने गुजरात में हुए राष्ट्रीय खेलों की पैदल चाल स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना डाले और स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 35 किलोमीटर की दूरी महज 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकंड में पूरी की। इससे पहले यह रिकॉर्ड हरियाणा के मोहम्मद जुनैद के नाम था। राष्ट्रीय खेलों में जुनैद को हराकर ही रामबाबू ने स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 15 फरवरी को आयोजित रांची में राष्ट्रीय पैदल चाल चैंपियनशिप में एक बार फिर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 35 किलोमीटर सिर्फ 2 घंटे 31 मिनट और 36 सेकंड में तय कर डाली। 25 मार्च को स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में प्रतिभागी बनते हुए 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 29 मिनट और 56 सेकंड में पूरी कर डाली और उसके बाद अब एशियन गेम्स में मेडल जीतकर एक इतिहास रच दिया। रामबाबू ने यह बता दिया कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। फिलहाल द नगरी न्यूज में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।